वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज के भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। दोस्तों आज सेंसेक्स और निफ्टी दोस्तों काफ़ी बुरी तरह से जो है नीचे गिर चुके हैं। 17,064 के आसपास, 17,664 के आसपास जो है लगभग निफ्टी चल रहा है। और दोस्तों जो सेंसेक्स दोस्तों 60,000 के नीचे आ चुका है, 700 पॉइंट से आज नीचे गिर चुका है। गोल्ड की प्राइस दोस्तों हमको गिरती हुई दिख रही है, 49,000 के आसपास जो गोल्ड आ चुका है। और डॉलर की प्राइस दोस्तों हमको बढ़ती हुई दिखी है, क्योंकि दोस्तों फेडरल रिजर्व जो है अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, तो डॉलर की प्राइस दोस्तों जो है बढ़ रही है। दोस्तों सबसे पहले खबर निकल के आती है दोस्तों, गौतम अडानी जो है पूरी एशिया के दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड के दोस्तों अब जो है सेकंड जैसे आदमी बन चुके हैं। 155.7 बिलियन डॉलर दोस्तों उनकी जो नेटवर्थ हो चुकी है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों हमारे एलोन मस्क हैं 273 बिलियन डॉलर के साथ। दोस्तों जेफ बेजोस, बर्नर्ड आर्नोल्ड को जो है आपीजे छोड़ के दोस्तों गौतम अडानी जो है आगे निकले हैं। और दोस्तों इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट करते हैं, कोई ऐसा इंसान दोस्तों पहली बार जो है सेकंड जैसे आदमी जो है पूरे वर्ल्ड में एवरेजेस्ट बना है। दोस्तों देखते हैं कि एलोन मस्क को पार कर पाते या नहीं कर पाते। तो अगली खबर निकल के आती है दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट के सेलर्स से दोस्तों अमेजन के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि दोस्तों 11 लाख 11 लाख दोस्तों दोनों के जो सेलर्स हो चुके हैं। दोस्तों सामान बेचते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पर। दोस्तों 2021 में जो सेलर्स थे फ्लिपकार्ट के थे वो 45 लाख थे, और अमेजन के जो सेलर थे वो 70 लाख थे। जितने ज़्यादा सेलर दोस्तों जो है मार्केट जो प्लेस पर होंगे दोस्तों प्लेटफॉर्म पर होंगे, उतने दोस्तों बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों अब दोनों के सेलर्स एक समान हो चुके हैं। 60% जो है फ्लिपकार्ट जो है फैशन मार्केट का कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों अपने पास रखा हुआ है, जिसमें उनका मिंत्रा भी इंक्लूड है। और दोस्तों जो है 45% दोस्तों स्मार्टफोन कैटेगरी दोस्तों जो है मार्केट शेयर है अमेजोन का, क्योंकि दोस्तों अमेजोन ने जो है बड़े बड़े ब्रांड्स से जो अपनी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप जो है बना रखी है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों, अपस्टॉक जो है पैसे रेज कर रहा है, फंड रेज कर रहा है। दोस्तों क्रिकेटर शिखर धवन दोस्तों और जो अमेरिका के फुटबॉलर हैं लैरी फिजरगन और दोस्तों कैल्सो वाली, उन्होंने जो है अपस्टॉक में पैसा डाला है। कितना डाला दोस्तों अभी पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों इससे पहले जो है सीरीज सी फंडिंग राउंड में टाइगर ग्रुप ने 108 मिलियन डॉलर दोस्तों जो अपस्टॉक में इन्वेस्ट किए थे। रतन टाटा ने दोस्तों इसमें जो इन्वेस्ट कर रहा है अपस्टॉक्स में। क्या दोस्तों आप अपस्टॉक यूज करते हो? नहीं करते दोस्तों, आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में जरूर खुलवाएं। दोस्तों आपको काफी अच्छी डील मिलेगी, काफी अच्छे जो आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं, तो उसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और दोस्तों जो है अपस्टॉक का जो वैल्यूएशन दोस्तों 3 से 3.5 बिलियन डॉलर अब जो है लगाया जा रहा है, और अब अपस्टॉक जो है एक नया यूनिकॉर्न भी बन सकता है। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों, हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि दोस्तों जो है ओडिशा में सबसे पहले जो है 5G की हमको टेस्ट के देखने को मिलेगी। 13 सिटीज में दोस्तों जो है पूरी नेशन वाइड दोस्तों आने वाला है 5G। जियो ने दोस्तों अभी अभी अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग उसमें कहा था कि दिवाली तक जो है दोस्तों हम जो है 5G सेटअप करने वाले हैं, यानी कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में जो आने वाला है, तो ओडिशा में दोस्तों आने वाला है 5G। उसके दोस्तों उन्होंने जो कहा है जो टेलीकॉम मिनिस्टर है कि 10 गुना दोस्तों स्पीड तेज होने वाली है 4G से इनकी। लेकिन दोस्तों उनको कंसर्न्स भी हैं कि जो रेडिएशन लेवल है किस तरह से जो है लोगों को हार्म करेंगे, ये दोस्तों देखने वाली बात रहेगी। और दोस्तों अब कितनी प्राइसिंग रहेगी 5G के दोस्तों प्राइस की प्लान्स की, वो दोस्तों हमको फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगा। जियो दोस्तों सबसे पहले होने वाला है जो अपनी 5G की सर्विसेज जो है इंडिया में लॉन्च करेगा।